This is for Vinaya. Hello. We are going out. Actually, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे वो मुँह से झाग निकालने लग गई थी. I saw two guys stealing. आज घर की थोड़ी एक कॉर्नर की सफाई की, उसमें से क्या निकला? Oh, पुरानी फोटोज. मेरी इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो ये वाली है एक्चुअली. मतलब इसमें ओ माई गॉड आई लव माई हेयर, काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो गया. क्या फेस कट था, ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस. ओके, गुड मॉर्निंग. मेरी आज सुबह कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि किसी की भी नहीं हुई, कमल की भी नहीं हुई, बिकॉज वी हार्डली स्लेप्ट लास्ट नाइट. वो इसलिए क्योंकि मिष्टी की तबीयत खराब हो गई थी कल रात को. मिष्टी कोई ऐसी चीज़ करती है घर में जो हम अभी तक फिगर आउट नहीं कर सके हैं कि क्या करती है, जिससे उसे एक तरीके की एक एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है. एवरी टाइम यूज टू गो टू द डॉक्टर, वो दवाई दे देते थे. दो से तीन बार हो चुकी है पहले, और एवरी टाइम ही यूज टू गिव द मेडिसिन. बट दिस टाइम व्हेन ही सॉ द एलर्जिक रिएक्शन, दिस टाइम ही सेड कि लेट्स जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या रिएक्शन देता है. तो अभी क्या है, हमने बहुत ही सीरियस होकर ऐसे पूरा नोट करना शुरू कर दिया है कि जब इसे ये होता है तो ऐसा क्या डिफरेंट होता है. सो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, वी विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग दिस. बट अभी के लिए उसको दवाई वगैरह देती है. सो वो इतनी रात को बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ऐसी थी, वो इतनी रेस्टलेस थी कि वो सारे में घूम रही थी. तो अगर ज़रा सी हमारी आँख लगती भी थी तो वो एकदम से भाग के हमारे पेट पर छलांग मार देती थी, कई बार मुँह पर मार देती थी. शी वॉज सो रेस्टलेस. तो फाइनली सुबह 5 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया, हम उठ ही गए उसके साथ. लाइक वी डिडंट इवन ट्राई टू स्लीप आफ्टर दैट. तो ऐसा कुछ चल रहा था बेसिकली रात को. सो इसलिए मतलब नींद पूरी नहीं हुई है. बट अभी के लिए वी हैव अ गेस्ट कमिंग ओवर. आप लोगों में से काफी लोग उसको जानते हो. जब आएगी मिलवाऊंगी, ठीक है. तो अभी के लिए आई एम जस्ट प्रेपिंग फॉर हर लंच. मैंने लंच कर लिया बिकॉज मेरा एक टाइम फिक्स है लंच का, 1 बजे. तो वो मेरा लंच हो चुका है, और जैसे ही वो आएगी आपसे मिलवाती हूँ एंड देन लंच करवाती हूँ एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज. बट आई नो दैट यू गाइज विल बी वेरी हैप्पी टू मीट हर. मैं तुम्हारी आरती कर देती हूँ. हेलो. अरे नहीं, 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 कोई नहीं. हाँ, तो बहुत कुछ हुआ है आज हमारे यहाँ. यू नॉट स्केर्ड ना? अरे तू कौन आया? न्यू फ्रेंड. आ जाओ तुम ना, ये बैग मुझे दे दो एक बार. नहीं नहीं, मैं सीधा जगह पे रखती हूँ. बस कर लो, चेक कर लो, कर लो, कर लो. नहीं नहीं, ये बहुत शांत वाला बच्चा है. अच्छा, वो दूसरी वाली है. वो उसको बंद किया हुआ है, उसकी तबीयत खराब हो गई कल रात को. ओके, अब मैं करती हूँ निधि के लिए खाना गरम. निधि का लंच रेडी है. पता नहीं ये लंच का कौन सा टाइम है, बट ठीक है, वो लेट हो गई आज बहुत. वी गॉट दाल, रायता, पनीर भुर्जी, यस अ लॉट ऑफ एंड बहुत बहुत यम्मी प्लान. आई एम वेरी हैप्पी कि तुमने आके ये नहीं बोला कि यार अब तो मैं खाया ही नहीं. मैंने वेरी गुड, मुझे यही था. मैं थोड़ा मेंटली अपने आपको प्रिपेयर कर रही थी कि हो सकता है कि निधि आए और बोले कि यार मैं ना वहाँ थी ना तो मैंने वहाँ खा लिया. तो मैंने कहा चल ज्योति, ज्योति ने ना मेरे लिए खाना बना के रखा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी, तुम कुछ पी लेते हैं. कोल्ड कॉफी ली, वो भी आधी ही पी. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. बताओ तुम्हारा क्या चार्ज पे लगाना है, तुम्हारा आईफोन है ना? नहीं, नॉर्मली मैं बाद में लगा. अट्टू कौन आया? ऑलरेडी अट्टू जो है वो बैठ गया है निधि के पास. यू लाइक हर? मम्मा आई एम अ नाइस पर्सन, आई लाइक एवरीवन, ही इज अ वेरी नाइस बॉय. मिष्टी बेस्ट डॉग आई हैव एवर मेट. ऑनेस्टली क्या बात कर रही हो तुम? ये अगर क्या बोलते हैं, अपनी जो सोच है, अगर तुम चाहती हो मैं बदल दूं तो मैं मिष्टी को बुला लेती हूँ. वो बेचारी सोच रही. मिष्टी की तबीयत खराब है. मैंने इतना शांत, ये तो बहुत प्यार, ये तो टेडी बेयर जैसे होते हैं ना, वैसा है, खिलौना है हमारे घर का छुटकू सा. हाँ ऑब्वियसली. हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं ऑफिस, निधि को लेके जा रही हूँ स्टूडियो. I will finally see it screen के अलावा real में. एकदम से all of a sudden आप लोगों को मेरे चेहरे पे मेकअप दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ आए, हम लोगों ने बहुत बातें मारी. I think हमको कितने निकले थे वहां से? 8 बजे. 6 बज रहा होगा. 6
6 बजे हम लोग वहां से निकले थे, 2 घंटे से हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और मैं मेकअप करते करते साथ में भी सिर्फ बातें कर रही थी। सो अभी हमारा प्लान ये है कि मैं रेडी हो गई हूँ, चेंज नहीं किया है, मैं कपड़े अपने वहीं लेके जा रही हूँ घर वापस, निधि विल गेट रेडी, तब तक मैं अपने कपड़े ऊपर प्रेस करके रेडी होंगी एंड देन वी आर गोइंग आउट लेडीज नाइट। आज वेंसडे भी है तो लेडीज नाइट ही आज। वाह, तो आज हम कहीं जाएंगे, मस्त थोड़ा खा पी के आएंगे और खूब डांस वांस करके आएंगे। सो या आई एम टेकिंग हर टू माई फेवरेट प्लेस, चलेगा ना तुमको? मैं अपनी फेवरेट प्लेस, ऑब्वियसली यार मेरी कोई फेवरेट प्लेस नहीं है यहाँ पे, आई विल राइट, बट यू लाइक सोशल्स, तुमको पता है ना? I don't the chain. go out that much, no. After I left corporate job ना, तो उसके बाद से ये सब चीजें खत्म होंगी मेरे लाइफ में। So I'm taking her to socials. I'm sure बहुत से लोग, जो लोग पार्टी वार्टी करते हैं उन लोगों को पता होगा, इसलिए का ऐसे अच्छे से डाइनिंग है। I've heard about socials. हाँ, तो it's not like a proper ऐसे हार्डकोर क्लब भी, and it's not just very boring ऐसे sit बैठ के ऐसे डाइन, कुछ लगा है क्या? I think foundation रह गया, कंसीलर है या? हाँ, कैसे कीड़ा होता है ना हम लोगों को, कीड़ा होता है ना हम लोगों को, कैसे ब्लेंड कर दो। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, वी बोथ विल गेट रेडी फाइनल वाला, एंड इसमें मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं जो मुझे पहनने हैं। आई गेस तुमने मेरे वाले में ब्लॉक कर दिया। ये निधि का कैमरा है, ओ शिट, ओके चाबी। अच्छा और क्या उठाना है? पंखा पंखा बंद करना है, ये लाइट्स। चलो ये हो गया, ये ले लिया, फोन ले लिया मैंने अपना। हाँ ठीक है, डन। Morning guys, what is up? We just woke up. Nidhi is having her breakfast. नाश्ते में बनवाया है चीला, बेसन का चीला। हम लोग इतने लेट सोए हैं, रात के 3:30 तक सोए हैं बेसिकली, और ये निधि तो बहुत जल्दी, उसकी जाग खुल गई सुबह 6 बजे, मे बी बिकॉज शी हैड दिस, वो ना ऐसे जाना है और ये करना है वो करना है, सो शी हैड कवर ऑफ थिंग्स ऑन हर माइंड, बट मैं उठी हूँ 8 बजे, अभी हो रखा है 8:30, निधि इज हैविंग हर ब्रेकफास्ट और उसके बाद वो चली जाएगी। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट बट परफेक्ट ट्रिप, लाइक बहुत हम लोगों ने मज़ा किया, मतलब इट वॉज परफेक्ट, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि यार ये भी कर लेते या कुछ ऐसे, बहुत बातें हुई, बाहर भी गए, अच्छा खाना भी मिल गया, जो खाया वो बहुत टेस्टी रहा, है ना, खाया बहुत मज़ा आया। हाँ बाहर तो खाया ही, घर आके भी ऑर्डर किया, मतलब हमने वहीं से ऑर्डर कर दिया था बिकॉज हमें पता था अभी हम थोड़ा और खाएंगे, तो वहीं से ऐसे थाय करी और स्टीम राइस ऑर्डर कर दिए थे, घर आके वो भी खाए। आई विश मैं रुक पाती बट क्या करें, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं कल तुमको बोल भी रही थी ना, जस्ट 2 आवर्स फ्लाइट, जस्ट 2 आवर्स फ्लाइट, बट डुग्गू 4 बार फोन कर देगा। और मैं कल बोल रही थी ज्योति को कि थोड़े दिन के लिए हम नोएडा आके रह लो। हाँ मैं वैसे डुग्गू जैसे फोन कर देता है, तो अगर मिष्टी फोन उठा पाती और फोन ऐसे डायल कर पाती ना, वो डेफिनेटली करती, सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हाँ जी हाँ जी, मासी जा रहे हैं अभी, पता है आपको मासी जा रहे हैं, इधर आओ इधर आओ। मिष्टू सबको बता दो आप ठीक हो गए हो, येस्टरडे शी हैड अ वेरी वेरी बैड डे, आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट इन माई वीडियो बिकॉज मेरा माइंड खुद का इतनी जगहों पे था। कमल हैड टू टेक हर टू द वेट ट्वाइस, सुबह तो गया ही वो, उसके बाद हमें लगा ओके अब उसने दवाई खा ली है अब ठीक हो जाएगी, एंड देन उसकी हालत उससे भी ज़्यादा बुरी हो गई। एक्चुअली एक टाइम ऐसा था जहाँ पे वो मुंह से झाग निकालने लग गई थी, रात को भी शाम को भी निकालती थी। हाँ तो वी हैड गॉट वेरी स्केयर्ड, हम लोग तो बहुत डर गए थे, बट वही है मेरा दिमाग काफ़ी जगहों पे था, निधि थी पहले, निधि आने वाली थी फिर निधि आ गई थी, तो मेरा दिमाग उधर भी रहा, तो कमल ने पूरी सिचुएशन को जो है संभाल लिया, वो ले गया था, बट शी हैड अ वेरी गुड स्लीप लास्ट नाइट, तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। परसों इसकी इतनी गंदी रात निकली थी ना, तो बड़ा तरस आता, सुबह से इंसानों की आँखें नहीं चढ़ी होती, नींद पूरी नहीं हुई। वैसे इतनी क्यूट लग रही थी वो, बट फाइनली कल रात को बहुत अच्छा सो ली वो, तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। अब बस कुछ नहीं, मैं तो
अपना दिन के कामों के साथ कंटिन्यू करूंगी और निधि को सी ऑफ करूंगी थोड़ी, हाँ मतलब 8:35 हो गए हैं, 9 बजे तो इसको निकलना ही है, 12:40 की इसकी फ्लाइट है, तो अभी मैं आप लोगों को मिलूंगी थोड़ी देर में जब कुछ होगा, लेट्स सी। किधर हो रहा दर्द बताओ, ये इधर इसी एरिया में, मैं जहाँ जहाँ हाथ लगा रही तुम्हारा ऐसे ब्लड इकट्ठा हो रहा है पता है, हाँ ये सारा जगह पे, ये ट्रैप सारे में, ट्रैप से नीचे लेके, ओके मेनली बॉडी नहीं, ठीक है ये हाँ मतलब स्पाइनल कॉर्ड के हाँ जो सेंटर ये हाँ, अब इसके लेफ्ट पे देखो इसका हिस्सा, हाँ अब ये पूरा एक लाइन बनी होगी देखो ये, हाँ इस पे हल्के से दबा दबा के प्रेशर दो, निकालने तो थोड़ा गुस्सा यार, गुस्सा निकालने तो थोड़ा इस बहाने कामल हद है, मसाज स्किल्स लाओ, इतनी मसाज जाती हूँ करवाने के लिए वहाँ से, वो सीख के आओ थोड़ा सा है, क्या नाम था उसका, पूर्णिमा सिखाती है, कौन करती तुम्हारी मसाज, नहीं वो निम्मी, निम्मी जी कितना, सोफी सोफी अब सोफी करती है। घर में बन रहा है घी, बाय द वे ये मेरी फेवरेट चीज़ है करनी, लाइक आई रियली लाइक टू निकालो घी, हाँ बाय द वे जब मलाई इकट्ठी हो जाती है तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना मुझे, आई लव इट। Is Mish to sunbathing? Oh my God, she enjoys it. पता नहीं कितने, पता नहीं घंटों से सुबह से ऐसे एक दो बार चक्कर बीच में लगाने आई है, बट यहीं बैठी, ओ मेरे बच्चे की नशीली आंखें, ओ माय गॉड, निन्नू आई शी, निन्नू आई शी, निन्नू आई शी बच्चों को। Okay guys, so I am ready to leave for market. So basically, I have a couple of things जो मुझे चाहिए and I am going to a very very interesting place that is Mr. DIY. I know a lot of people don't know about this place, but I don't know how come it's not that famous. But it has some really unique and interesting things. So I'm going there. I'll give you a tour also, small tour. आप देख लेना किस तरीके का है, क्या क्या तरीके का सामान मिलता है. And also I'll get the things that I require. And yeah, just got ready to leave. Just had my lunch. Now let's go. Atu, bye Atu. Bye Atu. Atu bye. Atu. गंदी रूप है, गंदी two guys stealing, they were folding couple of things and trying to keep in the pocket, so I've just reported, let's see.
ओके वन सेकेंड, कोई आएगा एक सेकेंड। वो छोटा सा वो नहीं होती मकड़ी, बोरी 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 बोरी, आपको काटेगी तो नहीं ना वो? नहीं नहीं, चलो। थैंक यू सो मच। यूजली मैं पैनिक कर जाती हूँ, बहुत पैनिक कर जाती हूँ। थैंक गॉड आज मैंने पैनिक नहीं किया, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग द कार, लाइक गाड़ी चल रही थी और मैंने ऐसे नीचे मुझे कुछ फील हुआ। ओह माय गॉड, अब मैं जा रही हूँ घर। घर पहुँच के आप लोगों को दिखाती हूँ जो भी थोड़ा बहुत मुझे सामान लिया। हेलो गाइस, अटो क्या हुआ, इधर आ, कम हियर, सिट सिट, गुड बॉय, आ ये लो जी, ठीक है। चलो गाइस, आई एम बैक। एटम को बैकग्राउंड में रखते हैं फॉर दोज हु लव एटम, तो उनको अच्छे से खूब लंबे टाइम के लिए देखने को भी मिल जाएगा। ओए ओए मेरे पोचू गंजू बंजू। तो सामान ले आई हूँ मैं, कुछ ज्यादा ऐसी फैंसी चीजें नहीं लाई हूँ। जरूरत की जो चीजें थी मैंने बताया था ना मुझे चाहिए थी, एक्चुअली दो तीन जरूरत की चीजें थी। उसके बाद मैं कुछ ऐसे सेक्शन वेक्शन में गई जहाँ पे मुझे बड़ी चीजें प्यारी लगी, तो मैं वो भी ले आई, बताती हूँ किसके लिए। तो एक मुझे मेरे को चाहिए था स्पून स्टैंड, एंड देन आई वॉन्टेड हुक्स, तो एक मैं ये लेके आई हूँ। वन इज द फ्रिज कवर, दिस इज द फ्रिज कवर, प्रिंट बड़ा सुंदर लगा और इसके यहाँ पे ऐसे साइड में पॉकेट्स वगैरह भी हैं। इसके साइड में ऐसे ये लेस लगी हुई है, प्रिंट भी बड़ा सुंदर सा है, कलरफुल सा है, सो लव्ड इट। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये बेसिकली डोर स्टॉप डोर गार्ड, ओके डोर गार्ड बोलते हैं इसे। मेरे स्टूडियो में मुझे अगर हल्का सा ऐसे दो सेकंड के लिए दरवाजे से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो ना कोई वो ऐसी चीज नहीं है जो मेरे दरवाजा गलती से बंद हो जाता है, बेसिकली होने के चांसेस है। वो जो पीछे मैग्नेट होती है दरवाजे के, वो मेरे वहां पे है नहीं, मतलब बेसिक ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे वो दरवाजा रुक जाए, स्टॉपर भी नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मुझे ये दिखा डोर गार्ड, इसे आप अपने दरवाजे पे ऐसे लगा दो तो अगर हवा से आपका दरवाजा बंद भी होगा तो वो ऐसे लॉक नहीं हो जाएगा। एंड मुंबई के जो दरवाजे होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो दरवाजा एक बार बंद कर दिया तो आप बाहर की तरफ से खोल नहीं सकते, यू नीड द की। तो ये अच्छे लगे मुझे, तो ये दो का सेट है, एक मैं ये लेके आई। उसके बाद जब मैं मेकअप करती हूँ तो आई वॉन्टेड अ हैंड मिरर। अभी तक मेरे पास ऐसे वो शेल्फ पे रखने वाला मिरर था पिंक कलर का, इफ यू गाइस रिमेंबर, इफ यू हैव एवर सीन इट बीटीएस वगैरह में। तो अभी मैं ये लेके आई हूँ, ये बहुत ही क्यूट है, ये देखो बड़ा विंटेज टाइप का फील दे रहा है, ये रहा है ना, बहुत क्यूट है ये। तो ये बड़ा आसान हो जाता है ऐसे मेकअप करना, सो वन आई गॉट दिस। देन बहुत ही ऐसे छोटी सी चीज है, ये एक फ्रेम है, बिलीव करके ऐसे कुछ लिखा है उस पर, एक छोटा सा ऐसे फ्रेम है। तो एक ऐसी जगह है स्टूडियो में जहाँ पे ना वो बहुत जगह खाली सी लग रही है मुझे, तो वहां पे मैंने सोचा चलो ये छोटा सा है, सस्ता सा है, तो ये टांग दूंगी। ओके, उसके बाद आई गॉट वन ट्रे ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर ये बाउंड्री में रेड कलर है, ग्लॉसी इफेक्ट वाली है, क्यूट है। एक्चुअली बड़ी ट्रे थी पहले से, छोटी कोई भी ट्रे मेरे पास उतनी कुछ खास ऐसे थी नहीं, गॉट दिस वन। उसके बाद आई गॉट बेडशीट्स, तो दो मैं बेडशीट्स लेके आई, ये रही। इसमें एक तो शीट है, ठीक है, और ये फिटेड शीट है, यानी कि जहाँ पे साइड में इलास्टिक लगी होती है एंड वो बहुत आराम से यू नो आपके मेट्रेस को एकदम से जकड़ लेती है, तो एक तो वो शीट है। उसके बाद इसमें दो पिलो केस हैं और एक बॉल्स्टर केस है। पिलो केस तो ऑब्वियसली हमारे काम के, बट बॉल्स्टर हमारे यहाँ वो जो लंबे वाला ऐसे तकिया होता है वो तो है नहीं, बट ठीक है, मतलब इसमें था तो आ गया। तो एक मैं लेके आई हूँ ऐसे रेड कलर की, ये रहे पिलो कवर्स प्लेन, और इसकी जो फिटेड शीट, इफ इन केस आप लोगों को नहीं पता है क्या होती है, तो इस तरीके से ना इसके साइड में ये देखो ये ऐसे इलास्टिक लगी होती है, तो ये आराम से आपके मेट्रेस के अंदर चली जाती है एंड आपके उठने बैठने पे जैसे नॉर्मल बेडशीट क्या है थोड़ी उतरती रहती है, थोड़ा लेफ्ट राइट होती रहती है, ये नहीं होती है। सो वन आई गॉट रेड कलर एंड अनदर वन इज रियली ब्यूटिफुल कलर, रुको ये वाला कलर, ये मुझे ज्यादा प्यारा लगा, मतलब ये भी अपनी जगह पे है बट ये अच्छा लग। तो ये तो आया है जो हमारे लिए सामान आया है घर की जरूरत के अनुसार। उसके बाद मैं लेके आई हूँ गिफ्ट्स, मैं किसके लेके आई हूँ, मैं लाई हूँ विनाया और भविका के लिए। इफ यू डोंट नो, विनाया और भविका मेरे जो भाई भाभी हैं उनकी बेटियां हैं, भविका इज द एल्डर वन एंड विनाया इज द यंगर वन। अभी भविका तो ऑब्वियसली पहले से स्कूल जाती थी तो उसके दो साल बाद स्कूल खुले हैं, और विनाया का ऐसा हुआ है कि विनाया अब स्कूल जाने लगी है, तो मुझे वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर चीज़ें दिखी और मेरे से नहीं रहा गया, और मेरी जिस चीज़ पे नज़र जा रही थी मुझे विनाया या भविका ही याद आ रही थी, तो मैंने ऐसे तीन चार चीज़ें उनके लिए ले ली जो मुझे लगा उनको अच्छी लगेंगी। सो वन इज दिस सिपर, ये एक्चुअली सिपर तो है ही साथ में साथ शेकर भी है। ये जो है ना इसका, इसको जब आप ऐसे कर रहे हो तो वो अंदर शेक हो रहा है और नीचे कर रहे हो तो भी शेक हो रहा है। सो अगर आपको कुछ बेसिकली मान लो
पल्प वाली कोई चीज है जो आपने बीच में डाली हुई है तो, और आपको ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको बस ऐसे ऐसे करना है। दिखाती हूँ आपको अंदर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी, मुझे लगा उसे अच्छी लगेगी। ये देखो, तो वो अंदर ऐसे मिक्सर टाइप का नहीं होता है वो, उसका सेटअप है एंड इट्स वेरी क्यूट। और पाइनएप्पल बने हुए हैं और यहाँ पे भी एक सुंदर सा पाइनएप्पल बना हुआ है पूरा का पूरा, इट्स वेरी क्यूट। सो दिस इज फॉर भविका, देन दिस इज फॉर विनाया। लाइक दिस इज नॉट द बैग जो स्कूल लेके जाएगी कभी, अगर कभी किसी हॉलीडे पे जाएगी ना अपने मम्मी पापा के साथ तो इस ये वो ले जाएगी। तो इतना सुंदर सा ये डॉल ऐसे बच्चू सा बना हुआ है और पीछे बैग है बड़ा क्यूट सा, तो छुटकू सा है तो अपना सामान वामान डाल लेगी। और वो बड़ी वैसी सी है कि मेरा सामान मेरा ये मेरा वो, तो आई विल गिव दिस टू हर। उसके बाद मैं दो पेन्स लेके आई, ये दोनों वो एक एक रख लेंगे। विनाया इतनी छोटी है कि वो पेंसिल उसे यूज करनी चाहिए बट शी लव्स यूजिंग पेन्स, तो अब तो स्कूल में उसे कंपल्सरी होगा पेंसिल यूज करना, बट आई नो हाउ मच शी लव्स यूजिंग पेन। तो मैं एक एक पेन दोनों के लेके आई हूँ, एक पे ये ऐसा फर का कुछ बना हुआ है और एक पे फ्लावर बना हुआ है। सो वॉट एवर विनाया विल लाइक विल शी विल कीप दैट, एंड जो बचा हुआ होगा वो बेचारी भविका को मिल जाएगा, ऐसे ही होता है। बट ठीक है, छोटे बच्चों का ऐसे ही होता है, उनकी जिद होती है यार। देन आई गॉट द बाबी वगैरह और ये डॉल्स वगैरह वाले स्टिकर्स मुझे दिखे तो मैं ये भी ले आई, तो क्योंकि अब उनकी नोटबुक हुआ करेगी, बुक्स वगैरह जो भी तो कहीं पे लगाना चाहेंगे तो वही स्टिकर्स लगा लेंगे। ये चीजें ना बच्चों को बड़ी अच्छी लगती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। देन द स्टार ऑफ द शो, आई गॉट अ ड्रेस फॉर विनाया। इट्स नॉट अ ड्रेस, इट्स लाइक अ, जैसे देखो देखो एक फेरी होती है ना, उसकी ये नीचे स्कर्ट है ये, और ऊपर ऐसे उसके विंग्स बने हुए हैं। ये देखो कितनी बढ़िया चीज है ये, मतलब आई नो कि वो कहाँ ही पहनेगी, कभी कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ तो भाभी उसे पहना देगी, बट अदरवाइज शी लाइक इट। ऐसे वो आई नो हर, वो कहेगी भाई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन गया भाड़ में, मुझे अभी पहनाओ। तो ये सुंदर लगी मुझे, मैंने ले ली है, मैंने कहा चलो उसको बहुत पसंद आएगी। सो या दैट्स इट, हाँ सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई गॉट। अब मैं बस यार अभी मैं ना व्लॉग को एंड कर दूंगी क्योंकि कल से चल रहा है, तो अभी मैं थोड़ा सा ड्रेन फील कर रही हूँ। ओह गॉड, कैसे लोग रोज व्लॉग कर लेते हैं भाई, सल्यूट है उन लोगों को। तो दैट्स इट, अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और अब आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में या अपने अगले व्लॉग में, लेट्स सी। तो अभी के लिए बाय, होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइज़।